राम राम जी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। तो जी, आज का जो व्लॉग बनने वाला है भैया, मैं जा रहा हूँ गोरखपुर। और गोरखपुर क्यों जा रहा हूँ मैं, उसका भी आपको कारण बताता हूँ। जब मैं पिछली साल गोरखपुर गया था दोस्तों, तो वहाँ पर एक बुढ़िया माई का मंदिर है। तो भैया, मैं, सोनू और एक हमारे मित्र थे, तो उन्होंने जो है मिलकर हमने एक अरदास मांगी थी कि भाई, अगर मेरा चैनल उठ जाता है या मान लो वो मोनोटाइज हो जाता है, तो मैं इस मंदिर पर दोबारा प्रसाद चढ़ाना आऊँगा। तो भाई, उसके बाद जो है कम से कम एक महीने बाद ही जो मेरा चैनल मोनोटाइज हो गया था, और अब जो है भैया पूरा एक साल बाद अब मैं जो हूँ प्रसाद चढ़ाने जा रहा हूँ गोरखपुर और बुढ़िया माई के मंदिर पर। तो भैया, बहुत ही ऐसा मंदिर है, मतलब कि तुम आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, आप जो भी अरदास लेके जाओगे दिल से वो पूरी होती है वहाँ भाई सब, ये रियलिटी है बिल्कुल एकदम। तो उसके लिए भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे जाना है। तो आप लोग बने रहेगा दोस्तों हमारे वीडियो में। मैं आ चुका हूँ इस टाइम आनंद विहार स्टेशन पर। तो अभी ट्रेन मेरी जो है 8 बजे की है, हम सफ़र प्रकार मैंने जो टिकट किया था, हम सफ़र ट्रेन का मतलब, और अभी 8 बजे तकरीबन आएगी वो। अभी लगभग 6:30 बजे हुए हैं, थोड़ा मैं जल्दी आ गया था क्योंकि मौसम भी थोड़ा ऐसी हो रहा है, बारिश आनी शुरू हो गई है भाई, हल्की 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 बारिश पड़ रही है। और वैसे है तो मोटी मोटी बूंद, पर इक्का दुक्का पड़ रही है। और अभी सभी लोगों ने ऐसे सीट छोड़नी शुरू कर दी है, और मैं अभी आपको दिखा दूँ, ये देखिएगा कितनी मोटी मोटी बारिश पड़ रही है दोस्तों। तो दोस्तों, मुझे लगा लगी भूख, और भाई बहुत तगड़ी बारिश पड़ रही है इस टाइम, ज़बरदस्त एकदम। और मैं खाने में लेकर आया हूँ, नटी की मम्मी ने जो है एक तो चने उबाल दिए थे, और भैया दही बड़े बना दिए थे। तो अपना ये दही बड़े और ये रहे चने, सबसे बढ़िया खाना भाई साहब, ना तो पेट खराब हो है ना कुछ। और अभी मैं आपको बारिश का नज़ारा दिखा दूँ दोस्तों, ये देखो जी, बहुत ही ज़बरदस्त बारिश पड़ रही है, बहुत ज़बरदस्त। ओ भाई साहब, बिल्कुल बिगट एकदम, ये देखो जी, हाँ जहाँ जहाँ है, क्या बात है। इसके साथ में बारिश का बहुत ज़बरदस्त तूफान है, और उसके साथ में बारिश, ये देखो जी हालत बिल्कुल ख़राब इस टाइम। तो दोस्तों, फाइनली जो है भैया हमारी हम सफ़र ट्रेन आ चुकी है इस टाइम, और अभी ये लगने वाली है प्लेटफॉर्म पर। और अभी ये देखिएगा कितने पैसेंजर आ गए हैं, कितनी भीड़ हो गई है। अभी अपना अपना डिब्बा ढूंढेंगे इसमें। तो भैया, मेरा जो डिब्बा था भैया वो था B4, और अभी मैं हूँ B10 के आसपास, मतलब बहुत आगे था। अभी मुझे जाना पड़ रहा है बहुत पीछे, और मैं आ गया था घने आगे ही। तो अभी थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे अभी जो है ये B5 है, मेरा है B4। ये देखिए, अभी मुझे और पीछे जाना पड़ेगा अभी। तो भैया काफ़ी पीछे जा गया डिब्बा, और वैसे भी दोस्तों ये बिल्कुल फुल AC है एकदम। ये सारे डिब्बे जो हैं इसके AC वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ इस टाइम अपने ट्रेन के अंदर, और ट्रेन के अंदर आने के बाद में ये है मेरी सीट, और मैं आज आपको बताऊंगा इस ट्रेन के अंदर क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, सभी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। तो चलेगा, चलते हैं अभी। देखते बैग, ये है सॉकेट, ये होगी लाइट, जो रात को जो है आप लोग जो है किताब वगैरह पढ़ सकते हो। एक जस्ट इसके नीचे जो लाइट है ये वाली, ये देखिएगा इस तरह से बुला सकते हो। और भाई, ये है आपका बोतल स्टैंड, यहाँ पर जो है आप अपनी बोतल को रख सकते हो पानी वाली। ये मिल गया आपका तकिया, तो जी एक तकिया, दो चादर मिलेंगे आपको इस तरह से। और ये मिलेगा जी कंबल, बिल्कुल साफ सफाई फर्स्ट क्लास मिलेगी कंबल की आपको। और ये है मेरी सीट, इस सीट को जब मैं सोऊंगा तो इसको पीछे से निकाल के इस तरह से ऐसे करके सीधा करके रख देंगे इस तरह से, ये देखिएगा। अब आप लोग चादर बिछाइएगा, तकिया लगाइएगा, मज़े से सोइएगा। तो जी इस तरह से इसे पीछे कर देंगे, अभी हमें सोना नहीं है। तो जी ये लग रहा है इसके पीछे स्टिकर, तो स्टिकर पे बताया गया है कि किस तरह से इसको निकालना है, कैसे इसको लगाना है। ये होगी आपकी LED, तो LED के अंदर जो ये डिस्प्ले है, इसमें आपको हर स्टेशन जो भी आना वो दिखता रहेगा, जो भी स्टेशन उसका नाम आ जाएगा। अब चलते हैं सीधे दोस्तों कि यह है वॉश बेसिंग, यहाँ वॉश बेसिंग पे जो कितनी साफ सफाई, डस्टबिन हो गया इसके डस्टबिन को नीचे, ये देखेगा। तो दोस्तों, फैसिलिटी तो बहुत अच्छी दी गई है इस ट्रेन के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं अंदर लेटरिन के, तो ये देखेगा यहाँ भी वॉश बेसिंग मिलने वाला है आप लोगों को। और भैया ये देखेगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, साफ सफाई एक नंबर, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो मग्घा सा रखा था, लेकिन अब मग्घा नहीं होता है, तो इस तरह से पानी आता है। एक ये फुहारा टाइप, ये देखे, ये लगा हुआ, तो आप फुहारे से भी काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक बात और है, कुछ लोग जो बीड़ी वगैरह पीते हैं तो वो थोड़ा बच के रहें, क्योंकि यहाँ पर जो है एक सेंसर ऐसा लगा हुआ है, अगर आप लोगों ने बीड़ी पी तो बीड़ी पीते ही जो है RPF वालों को पता लग जाएगी, और वो भैया आपको जस्ट यहाँ से आके छाग लीजिए, ये सेंसर लगा हुआ है, वो आप लोगों को जो है पकड़ लेंगे।
तो ये चलते हैं अभी अपने डब्बे के अंदर। ये आ गए हैं टीटी, तो टीटी का काम है एक बार टिकट चेक करने के बाद में ये लोग फिर दोबारा नहीं आते, फिर आपको परेशान नहीं करेंगे, एक बार टिकट चेक करेंगे वो निकल जाएंगे फिर। और अपनी जो ट्रेन है दोस्तों अब निकल चुकी है इस टाइम, और ये देखिए बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और अभी कुछ पैसेंजर आ रहे हैं कुछ पैसेंजर जा रहे हैं। इसमें जो है सफ़ेद चादर है लखनऊ मंडल पूर्वोत्तर रेलवे, ये देखिएगा इसमें निकलेगी आपकी सफ़ेद चादर जिसे हम नीचे बिछाएंगे। ये हो गया आपका ब्लैक कलर का कंबल, ये अपना बैग है, और ये हो गया तकिया। तो चलिएगा जी बिछा देते हैं अपने को। अभी फाइनली जो है अपना बिस्तर लग चुका है भाई, अब जो है खींचेंगे कैड़ी नींद। और अभी कल सुबह तकरीबन ये 9:30 बजे उतारी है हमारी ट्रेन, और उसके बाद जो है फिर पहले चलेंगे सोनू के पास, और फिर मैं और सोनू चलेंगे बुढ़िया माई मंदिर पर। तो अभी जैसे भी होगा मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा दोस्तों, तो आप लोग बने रहेगा। और अभी फिर से थोड़ा सा भूख लग रही है दोस्तों, अभी ट्रेन। तो दोस्तों ये हो गया हमारा खाना, चने हैं और भैया दही बड़े, तो ये दोनों बनवाए थे मैंने जिससे कि ज़्यादा नुकसान ना दे। ये बिल्कुल बढ़िया वाला डाइट है एकदम फर्स्ट क्लास, अभी इसे खा के और फिर सोते हैं। तो आइएगा आप लोग भी खाइएगा चने, एक नंबर भाई मज़ा आएगा बात में। और ये अगर दही बड़े तो दोस्तों खाना पीना भी हो चुका है भैया, अब करते हैं सोने की तैयारी, क्योंकि यार मैं नाइट ड्यूटी भी लगाया था सुबह ड्यूटी करी थी फिर, तो माफ़ डबल डबल हो गया था, भारी है बहुत जोर से नींद। तो चलेगा जैसे भी मिलते हैं सुबह को, तो गुड नाइट। अभी जो है मैं गोंडा से निकले हैं अभी, तो अभी तकरीबन जो है 2 घंटे के आसपास अभी लगेंगे गोरखपुर पहुँचने में। तो अभी सुबह सुबह क्रूज कर लेते हैं, अभी सो के उठे भाई, नींद बहुत अच्छी आई, बेहतरीन नींद आई भाई एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों अभी लास्ट स्टेशन अपना आ चुका है गोरखपुर, और अभी गोरखपुर उतरेंगे और फिर सीधा निकलेंगे एकदम यहाँ से ऑटो पकड़ के। और अभी मैं आपको दिखा दूँ बाहर का नज़ारा थोड़ा सा, यह है गोरखपुर का स्टेशन। और अभी धीरे 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 जो है ट्रेन अभी रुक रही है, और ये देखिएगा यहाँ के मकान कैसे बने हुए हैं। मौसम भी थोड़ा घटा है आज मौसम में, हो सकता है बारिश आ भी सकती है और नहीं भी। तो दोस्तों अब जो है गोरखपुर वाले स्टेशन पे उतर चुके हैं, और अभी चलेंगे हम सीधा नंद नगर है यहाँ पर एक, तो वहाँ जाना पड़ेगा अभी हमें, तो अभी ऑटो करना पड़ेगा। और ये देख सकते हो आप काफ़ी बड़े उसमें बना हुआ है गोरखपुर स्टेशन ये, और भैया काफ़ी पुराना स्टेशन है, काफ़ी ऑटो ही ऑटो खड़े हैं, ये देखेगा काफ़ी भीड़ है ऑटो वालों की। तो दोस्तों अभी फाइनली जो है भैया ई रिक्शा मिल गया है यहाँ से, और अभी नंदा नगर चौकी जो वहाँ तक ये छोड़ देगा, और फिर हो सकता है वहाँ से फिर सोनू आ जाए तो सोनू लेके चला जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आप लोग बने रहिएगा जय। तो दोस्तों अभी ई रिक्शा वाले ने तो भैया यहाँ उतार दिया एम्स के सामने, ये एम्स है बिल्कुल एकदम गोरखपुर का, एम्स का गेट नंबर 2 पर उतार के चला गया। और इधर अभी भाई ने बनाई है सिकंजी, तो आप लोग पीजिएगा सिकंजी। अभी सोनू जो है यहीं आ रहा है मेरे पास, मैंने उसे फ़ोन कर दिया था तो वो बोल रहा कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो वो यहीं पर आने लग रहा अभी। तो दोस्तों अभी जो है फाइनली सोनू आ चुका है मुझे लेने, और ये देखिए अभी और अभी सीधे पहुँचेंगे घर, और उसके बाद फिर शाम के टाइम चलेंगे बुढ़िया माई मंदिर पर, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा जैसे भी होगा। फाइनली तो मैं पहुँच चुका हूँ भैया घर पे, और इधर जो है अभी बानी और गरिमा, ये देखे क्या कर रहे हो भाई, ऑरेंज खा रहे हो, अच्छा अरे चॉकलेट कौन लाया था, ये कौन लाया था, फूफा लाए थे। वानी आपका इंटरव्यू कहाँ गया, मैंने पापा को दे, मम्मी को दे, बाद में खाऊंगा। तो दोस्तों अब चलेंगे फिर उसके बाद बुढ़िया माई मंदिर पर, शाम को वीडियो में अलग बनाऊंगा, तो अभी जो थोड़ा खाना खा लेते हैं नहाकर, फिर शाम के टाइम कोई तकरीबन 5-6 बजे दिख लेंगे। तो इस वीडियो को मैं ही खत्म करूँगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही अगली वीडियो में।